हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शुभा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ईमेल कम्युनिकेशन। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप एचआर प्रोफाइल में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है स्ट्रांग होना चाहिए, वर्बल हो या रिटन हो। तो आज हम ये देखेंगे कि आप एक इफेक्टिव ईमेल कैसे लिख सकते हो, क्या स्टेप्स होते हैं एंड किस तरह से आपको लिखना है। साथ ही एट द एंड हम एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ईमेल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाइए एंड हर स्टेप जो है आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईमेल कम्युनिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट सैल्यूटेशन, सेकंड ओपनिंग सेंटेंस, थर्ड ईमेल बॉडी, फोर्थ क्लोजिंग सेंटेंस एंड फिफ्थ इज सिग्नेचर। हम इस सारे स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सैल्यूटेशन। सो सैल्यूटेशन हम कह सकते हैं किसी को एड्रेस करना, किसी को ग्रीट करना, कोई फॉर्मल वर्ड यूज करना किसी को भी बुलाने से पहले। अगर हम कभी कॉलेज में जाते हैं या अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने सीनियर्स होते हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। अगर हम स्कूल में भी जाते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर। अगर हम किसी को बुलाते भी है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस तरह से बुलाते हैं। तो ईमेल कम्युनिकेशन में भी इस तरह से कुछ फॉर्मल वर्ड्स होते हैं जिसे कि आप एड्रेस कर कह सकते हो या ग्रीटिंग कह सकते हो या फॉर्मल वर्ड्स भी कह सकते हो, जैसे कि डियर, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक सैल्यूटेशन होते हैं, क्योंकि जब आप ये वर्ड्स यूज करते हो इसके बाद जो है आप उस रेसिपिएंट का, जिसे भी आप ईमेल लिख रहे हो उसका नाम जो है आप वहां पे लिखोगे। जब भी आप ईमेल लिखते हो, ड्राफ्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल डियर, डियर के बाद आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि आप ये कह सकते हो डियर मिस्टर मेहता। अब आपको टाइटल में मिस्टर, मिसेस और मिस ये जरूर डालना है, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि वो सामने वाला कौन है, क्योंकि आप जो है लास्ट नेम लिख रहे हो जो कि सरनेम होता है। तो सरनेम से हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो मिस्टर है या मिस है। और आप चाहो तो गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता, गुड मॉर्निंग मिसेस सोनिया मेहता, गुड मॉर्निंग मिस सोनिया मेहता, आप ये भी लिख सकते हो। और आप चाहे तो हेलो, हाय, ये भी आप वर्ड जो है यूज कर सकते हो। सेकंड ओपनिंग सेंटेंस, अब आपने यहां पे ग्रीट कर दिया है, एड्रेस कर दिया है, अब आपको ओपन करना है जो आपका ईमेल कम्युनिकेशन, उसे स्टार्ट करना है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, किसी से पूछते हैं मॉर्निंग में, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर डे। उसी तरह से आप जब ईमेल लिखोगे तो आपको एक ओपनिंग सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करना है, जैसे कि आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक, और I trust you're doing fine. I hope this email finds you well. इस तरह से आपके पॉजिटिव वाइब्स में जो है ईमेल स्टार्ट करनी है। थर्ड बॉडी ऑफ द ईमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टेप होता है ईमेल कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि आप बॉडी ऑफ द ईमेल में एग्जैक्ट वो पॉइंट, वो कन्वर्सेशन जिसलिए आप ये ईमेल लिख रहे हो क्या है, क्या वो बात है, क्या डिस्कशन है, क्या आपको उनसे कन्वे करना है, क्या डिस्कशन करना है, वो आप इस ईमेल में लिख रहे हो। जब भी आप बॉडी ऑफ द ईमेल लिखते हो, जब भी आप उसमें जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, जो भी आप उसमें मेंशन कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लियरली पॉइंट पर होना चाहिए कि आपको क्या उन्हें कन्वे करना है, स्मॉल क्लियर एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो ईमेल का कम्युनिकेशन का जो एजेंडा है, किस लिए आप लिख रहे हो, वो आपको ईमेल बॉडी में एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। पर्पस ऑफ द ईमेल क्या है, वो आपके बॉडी ऑफ द ईमेल में आना चाहिए। फोर्थ क्लोजिंग सेंटेंस, तो क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है कि आपने जो बॉडी ऑफ द ईमेल लिखी है वो पढ़ने के बाद रेसिपिएंट को, जिसको भी आपने लिखा है, वो समझ के उस पर रिप्लाई करे, बताए कि एग्जैक्टली उस पर क्या करना है। अगर उससे कुछ रिक्वेस्ट किया गया, अगर कैंडिडेट को ये शेयर किया गया है ऑफर लेटर विथ अटैचमेंट एंड मेल बॉडी में सारे डिटेल्स मेंशन किए, तो कैंडिडेट से कहा जाता है कि रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सो क्लोजिंग सेंटेंस में जो हम सामने वाले, जिसे भी आपने ईमेल लिखा है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ईमेल पे रिप्लाई करें। एंड द लास्ट इज सिग्नेचर। सो सिग्नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर बताता है कि किसने ये ईमेल शेयर किया है, किसके आईडी से ये ईमेल आया है।
अब सिग्नेचर आप कैसे लिखोगे? सिग्नेचर में आपको वार्म रिगार्ड्स डालना है और एल्स आप योर सिंसियरली बेस्ट रिगार्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स है आप यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको अपना नाम ऐड करना है, आपके कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है, ईमेल आईडी है या आपका कम्युनिकेशन नंबर है, वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके सिग्नेचर में अपडेट करना है आप वो अपडेट कर सकते हो एंड देन वो आप ईमेल जो है शेयर कर सकते हो। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सामने वाले को पता चलता है, जिसे भी आप ईमेल शेयर कर रहे हो ये पता चलता है कि किसने इस ये ईमेल को शेयर कर रहा है। जो कोई अननोन पर्सन होगा उसे भी पता चलता है कि किसी के थ्रू अगर इसको ईमेल आया तो किसने ईमेल शेयर किया है। कैंडिडेट्स को भी ईमेल आते हैं, तो वो ईमेल जब उन्हें आते हैं तो वहां पे उन्हें पता है कि किससे रिप्लाई करना है, किससे बात करना है आगे क्या कम्युनिकेशन के लिए। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं ईमेल कम्युनिकेशन के, ये 5 स्टेप्स है टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, जिससे कि आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। डियर मिस्टर रवि मेहता, आप चाहे तो डियर सर भी लिख सकते हो या डियर मिस्टर मेहता भी लिख सकते हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड टू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस फॉर 5 डेज ड्यू टू फैमिली फंक्शन टू पार्टिसिपेट इन फैमिली फंक्शंस अराउंड द डेट। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम June 20 to 25th June 2024। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। रिगार्ड्स शोभा गुप्ता। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल ईमेल लिया है जहां पे मैंने बताया है कि मुझे लीव चाहिए एंड किस डेट से चाहिए एंड क्यों चाहिए। तो इस तरह से आपको ये 5 स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। जब भी आप ईमेल लिखे तो ये 5 स्टेप्स जरूर फॉलो करने एंड ध्यान रखें कि बॉडी ऑफ द ईमेल जो होता है मेन है उसे आपको बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में एंड टू द पॉइंट में लिखना है। सो आई होप आज के वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ईमेल कैसे लिखना है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।